नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के विषय में कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों बढ़ जाती है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और बिना दवाइयों के हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड होती है, आकार में बहुत छोटी होती है, अखरोट जैसा इसका आकार होता है और ये मात्र 9 ग्राम की होती है। पुरुषों के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है। इससे एक प्रवाह निकलता है जो वीर्य का अंश होता है। इस तरल पदार्थ को प्रोस्टेटिक फ्लूड कहते हैं। कुछ लोगों में 50 साल की उम्र आते आते प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लग जाती है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो चीज़ हम खाते हैं वो हमें प्योर भी नहीं मिलती, तो आजकल 30 से 35 साल की उम्र में ही प्रोस्टेट ग्लैंड की शिकायत आने लग जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लग जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से मूत्र नली पर दबाव पड़ता है, जिस कारण से बार बार पेशाब जाना पड़ता है, जबकि ब्लैडर भरा रहता है लेकिन यूरिन की मात्रा बहुत कम पास होती है। कष्ट के साथ यूरिन पास होता है, कभी कभी तो बहुत ही बूंद बूंद यूरिन पास होता है। ब्लैडर से संबंधित रोग का संबंध प्रोस्टेट से ही होता है। ब्लैडर में जब यूरिन भरा रहता है, पास नहीं होता, तो धीरे धीरे प्रोस्टेट में सूजन बढ़ने लग जाती है और जब सूजन ज़्यादा बढ़ जाती है इसे प्रोस्टाइटिस कहते हैं। ये बहुत पेनफुल स्थिति होती है, अगर इस पर ध्यान ना दें तो स्थिति गंभीर होने लग जाती है और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं। जैसे ही आपको एहसास हो कि यूरिन की समस्या दिखाई देने लगी है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगी है, तो तुरंत ही अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके प्रोस्टेट की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। आप जानते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने के क्या क्या लक्षण होते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं लक्षणों की। तो जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आने लगती है तो सबसे पहला लक्षण तो यही होता है कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान रहने लगता है और गुदा के आसपास खुजली महसूस होने लगती है और कभी कभी खुजली इतनी अधिक बढ़ जाती है कि असहनीय हो जाती है। और जब ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसी स्थिति में नारियल तेल को हल्का सा गर्म करके अंडकोश के ऊपर प्रोस्टेट वाली जगह पर हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए। इससे खुजली में भी आराम मिलता है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगती है वो भी थोड़ी श्रिंक होने लगती है, उसमें भी आराम होने लगता है। लेकिन उसका मूल कारण समाप्त नहीं होता। आप ये ना समझें कि हम इसको मसाज करके ठीक कर सकते हैं। जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती है तो कुछ लोगों में चिंता बढ़ जाती है, वो अपने आप को सेक्स के प्रति अक्षम समझने लगते हैं, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, मानसिक रूप से परेशान रहने लगते हैं। हालांकि ये सब कुछ टेम्परेरी होता है, जब प्रोस्टेट की दिक्कत समाप्त होती है तो मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ हो जाते हैं। कुछ लोगों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के कारण कमर के निचले हिस्से में हमेशा हल्का हल्का सा मीठा मीठा सा दर्द बना रहता है और कुछ लोगों को यूरिन जाते समय जलन होती है और कुछ लोगों को यूरिन के साथ ब्लड भी पास होता है और बार बार पेशाब तो जाना ही पड़ता है। अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बिल्कुल नई नई स्टार्ट हुई हो तो इसको हम अपने भोजन में चेंज करके ठीक कर सकते हैं। हमें अपनी डाइट में 80% एल्कलाइन और 20% एसिडिक फूड लेना चाहिए। जब हम इस तरह का भोजन लेना शुरू करते हैं तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी समाप्त होने लग जाती है। तो दिन भर में हमें कैसी डाइट लेनी है इसके विषय में मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे अब सुबह आपको नाश्ता करना है तो नाश्ता करते समय आप जो भी मौसम के फल हैं वो खा सकते हैं, पेट भर के खाएं, 400-500 ग्राम खाएं। जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, खरबूजा तरबूज भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं तो आप इनको पेट भर के आराम से खा सकते हैं। या जब सर्दियों का मौसम होता है तो नाशपाती, बब्बू गोशा, सेब, अनार, अमरूद, इस टाइप के जो फल आते हैं, तो जो भी फल आपको पसंद हो वो आप आराम से पेट भर के
खाएं, कोई ऐसा नहीं है कि ये फल आपको खाना है और ये फल आपको नहीं खाना है। कोई सा भी फल आप खा सकते हैं, बस आपको कोशिश ये करनी है कि एक बार में आप एक ही फल खाने की कोशिश करें। और अगर आप एक फल नहीं खा सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा दो फल खा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप ना खाएं। अब जब आप लंच करते हैं तो लंच में तो चोकरदार आटे की रोटी खाएं। मोटा आटा पिसा होना चाहिए। मोटे आटे की बात हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें चोकर की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन आज अक्सर लोग पिसा पिसाया आटा मंगाते हैं जो बहुत मैदे की जैसे बारीक होता है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी अच्छी कंपनी का चोकर खरीद के ले आएँ, तो ब्रांड का एक पैकेट मिलता है वो आप खरीद लाएँ, और जब आप अपने लिए रोटी बनाएं तो उसमें चोकर मिक्स कर लें अपने आटे में और फिर उसकी रोटी खाएं। और इसके अलावा आप दलिया भी साथ में बना करके खा सकते हैं, उसमें भी चोकर की अच्छी मात्रा होती है। तो चावल खाने के लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं कहते, तो उसकी जगह आप फीका दलिया बना लें और जो भी सब्जी बनती है उसके साथ खाएं। अगर आपको दाल खानी है तो बहुत कम दालें खाने की बात हम करते हैं, क्योंकि दालों को हम अवॉइड करवाते हैं। जब अगर बीमारी को शरीर से निकालना होता है तो हमें जितना हल्के से हल्का खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम दालें वगैरह खाते हैं तो उसको पचने में टाइम लगता है और शरीर की शुद्धि जल्दी नहीं हो पाती। तो आप अगर खाना चाहें तो कभी कभी मूंग की छिलके वाली दाल या मूंग मसूर की दाल, छिलके वाली दाल ही खाएं, और कोई दाल खाने की कोशिश ना करें। और जो मोटी दालें हैं जैसे चना, राजमा, छोले, इस टाइप की दालों को तो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि दालें कफ बढ़ाती हैं। इसकी जगह आप अंकुरित बना करके खा सकते हैं, जैसे साबुत मूंग के अंकुरित आप बनाएं और उसको आप रोज़ाना जब आप लंच करते हैं तो खा सकते हैं। और जब शाम का टाइम होता है, 4 बजे का टाइम होता है, टी टाइम होता है, उस वक्त आप चाय ना पी करके जो भी मौसम की कच्ची सलाद होती है उसको खा सकते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, गाजर, चुकंदर, टमाटर, जो भी आप खा सकते हैं पूरा प्लेट भर के अच्छे से खाएं। और रात का भोजन आप दिन की तरह बिल्कुल सादा करें, सादी सब्जी बनाएं, हरी सब्जियां खाएं। अगर पत्ते वाली सब्जियों का मौसम है तो पत्ते वाली सब्जियां खाएं, नहीं तो लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, इस टाइप की जो भी सब्जियां आती हैं उसको बिल्कुल सादा बना करके खाएं। जितना सादा खाएंगे उतनी ही जल्दी बीमारी शरीर से बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा अगर बीमारी को आप और भी जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं तो 10 दिन में 3 दिन के लिए आप उपवास रखें। आपको ऐसा उपवास रखना है कि बस रोटी नहीं खानी है, अन्न नहीं खाना है। तो नाश्ते में आप प्लेट भर के फ्रूट्स खा सकते हैं, 400, 500, 600 ग्राम जितने भी आप फ्रूट खाना चाहते हैं। और लंच में 2-3 कटोरी भर के सब्जी खा सकते हैं। शाम को 4 बजे कच्ची सलाद जैसे ककड़ी, खीरा, गाजर, चुकंदर, टमाटर, इस टाइप की सैलेड खा सकते हैं। और रात को फिर से आप सब्जियां खा सकते हैं, 2 या 3 कटोरी सब्जी जो भी आप खाना चाहें वो खा सकते हैं। इस तरह से अगर आप हर 10 दिन बाद 3 दिन के लिए इस तरह की फास्टिंग रखेंगे तो आपका रोग बहुत जल्दी समाप्त होने लगेगा। और डाइट के साथ साथ हमें एक छोटी सी चिकित्सा भी करनी है, जो चिकित्सा है गर्म ठंडी सिकाई की। वैसे तो आपने और बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, मैं बहुत सी वीडियो में बताती हूँ पेट को सही रखने के लिए, लीवर को सही रखने के लिए गर्म ठंडी सिकाई कैसे करते हैं। अब हमें प्रोस्टेट के लिए सिकाई करनी है, तो हम अपनी गर्म बॉटल को पेट के ऊपर नहीं रखेंगे, हमें उसको नाभि से नीचे वाले पार्ट पर रखनी है, जहाँ प्रोस्टेट की जगह होती है, जहाँ ब्लैडर की जगह होती है वहाँ हमें रखना है। तो नाभि से नीचे हम गर्म ठंडी सिकाई करेंगे, और जैसे हम पेट पर करते हैं बिल्कुल सेम हम इस तरह से नाभि के नीचे करेंगे। तो जब आप डाइट फॉलो करते हैं और गर्म ठंडी सिकाई करते हैं तो प्रोस्टेट की जो नई नई प्रॉब्लम शुरू होती है वो बहुत जल्दी समाप्त होने लग जाती है, 1-2 महीने में ही ठीक हो जाती है। अगर किसी को प्रोस्टेट की बीमारी पुरानी हो गई हो और प्रोस्टेट ग्लैंड काफ़ी बढ़ गई हो, यूरिन की समस्या ज़्यादा रहने लगी हो, तो ऐसी स्थिति में
आपको मैं एक दूसरी प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी जो 100% कारगर है। वैसे तो बहुत सारे नुस्खे भी हैं जो इसके लिए काम करते हैं, लेकिन जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो नुस्खे पूरी तरह से बीमारी को ख़त्म नहीं कर पाते। वैसे तो जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम शुरू होती है तो अक्सर लोग दवाई खाना शुरू कर देते हैं और दवाई को ज़िंदगी भर खाना पड़ता है, दवाई खाते रहते हैं, यूरिन की समस्या नॉर्मल बनी रहती है, यूरिन ठीक से पास होने लग जाता है, लेकिन जब दवाई छोड़ेंगे तो दवाई छोड़ने के बाद वो समस्या फिर से उभर कर के सामने आ जाती है। दवाई सिर्फ बीमारी को दबाती है लेकिन उसको ठीक नहीं करती। मैं जो आपको नेचुरल इलाज बताने जा रही हूँ वो प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी हर समस्या को ठीक करेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो बढ़ गई है उसे ठीक करेगा, जो सूजन आने लगी है उसे भी ठीक करेगा, और जो यूरिन पास होने में दिक्कत हो रही है उसको भी वो ठीक करेगा। तो नेचुरोपैथी में इसको गर्म ठंडा कटी स्नान कहते हैं। गर्म ठंडा कटी स्नान लेने से प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन के साथ साथ और जितनी भी बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। इसके लिए नेचुरोपैथी में गर्म ठंडा कटी स्नान दिया जाता है। तो देखते हैं वो गर्म ठंडा कटी स्नान कैसे करेंगे। तो ये दो टब हैं, एक में गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है। तो गर्म पानी हमें इतना गर्म लेना है कि जो आप आराम से बर्दाश्त कर सकें, और ठंडा पानी भी घड़े जैसा ठंडा होना चाहिए, इससे ज़्यादा ठंडे की ज़रूरत नहीं होती। और इसको आधा टब भर लें, आप जब भी भरें गर्म पानी का आधा टब भर लें, और अगर इसमें ज़रूरत हो तेज़ गर्म हो तो थोड़ा ठंडा मिक्स कर लें। और उसके साथ में एक बाल्टी भी हमें रखनी है जिसमें गर्म पानी हमें भर के रखना है। तो गर्म पानी में जब हम बैठेंगे तो हमें बीच बीच में गर्म पानी मिलाना पड़ेगा क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। जब गर्म ठंडा कटी स्नान लेना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें एक गिलास पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सर्दी का मौसम है तो आप थोड़ा सा पानी को गुनगुना कर लें, गर्म पानी पिए, और जब गर्मी का मौसम है तो ताज़ा पानी पिए। गर्म ठंडा कटी स्नान हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें गर्म पानी में बैठना होता है। तो आप देख रहे होंगे कि जिसमें बैठे हैं वो गर्म पानी है और जो दूसरा टब है वो ठंडे पानी का है, और हमें गर्म पानी भी इतना ही भरना है जितना आप उस ठंडे टब में देख रहे होंगे। जो ठंडे पानी भरा हुआ है इतना ही पानी भरना है क्योंकि जब हम इसमें बैठते हैं तो पानी ऊपर उठ जाता है। तो पानी जो है हमारे पेट तक आ जाना चाहिए, और अगर टमी ज़्यादा है, पेट पर पानी नहीं आ रहा है, और अगर आपकी टमी नहीं भीग रही है तो जिस टब में हम बैठे हैं उसी टब से पानी लेकर हमें अपने पेट के ऊपर डालना चाहिए। और हमें इसमें 3 मिनट तक बैठना है क्योंकि हमें इसके 4 राउंड करने हैं। 3 मिनट गर्म में बैठना है और 1 मिनट ठंडे में बैठना है। जब गर्म में बैठ करके 3 मिनट पूरे हो जाएंगे तब हम इसमें से निकलेंगे और ठंडे में बैठेंगे। और जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे पैर फुट रेस्ट पर होने चाहिए। अब पैरों में अगर आप चप्पल पहन के रखेंगे तो अच्छा है क्योंकि पैर गीले नहीं रहने चाहिए। और इसके साथ साथ सिर के ऊपर ठंडा टॉवल रखना भी ज़रूरी है। कोई सा भी हम ट्रीटमेंट लें लेकिन सिर हमेशा ठंडा होना चाहिए। घड़ी में टाइम देख करके तब आप इसमें बैठें। जब इसमें पूरे 3 मिनट हो जाएं तब आप इसमें से उठें और तब दूसरे टब में बैठें और घड़ी में टाइम देख लें। अब आप देख रहे होंगे कि गर्म में से ठंडे पानी में शिफ्ट कर लिया है और ठंडे पानी में हमें 1 मिनट के लिए बैठना है। और ठंडा पानी भी घड़े जैसा ठंडा होना चाहिए, टमी पे पानी नहीं आ रहा है आप देख रहे हैं। तो हमें उसी टब में से पानी को मग से लेकर अपने टमी के ऊपर डालना है। और जब इसमें बैठे हुए 1 मिनट हो जाए, आप ये सब काम घड़ी देख कर करें। अब जब 1 मिनट इसमें पूरा हो जाएगा तो वापस हमें इसी टब में आना है गर्म पानी में, और इस गर्म पानी का टेम्परेचर कम हो गया होगा इसीलिए इसमें हमें कुछ पानी ऐड करना पड़ेगा। इससे पहले अगर इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा है तो इस पानी को थोड़ा सा निकाल देंगे, 1-2 मग पानी इसमें से निकाल दें। और तेज़ गर्म पानी इसमें डाल दें। अब इसका टेम्परेचर ठीक हो गया है, दूसरा राउंड शुरू करते हैं।
जब 4 राउंड इसके पूरे हो जाएं गर्म और ठंडे के, तब बाहर निकल के हम टॉवल से पोंछ लेना है। सर्दियों के मौसम में तो टॉवल से पोंछ सकते हैं, और गर्मियों का अगर मौसम है तो आप शॉवर ले सकते हैं। शॉवर भी बहुत ज़्यादा देर नहीं लेना है, नॉर्मल टाइम के लिए शॉवर लेना है। कटे स्नान लेते हुए हमें कुछ सावधानियाँ रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्म ठंडा कटे स्नान हम किसी भी समय ले सकते हैं दिन में, लेकिन बस इसको लेने से पहले आपको इतनी प्रिकॉशन रखनी है कि जब भी आप कटे स्नान लें तो आपका पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। सुबह का तो आप खाली पेट ले सकते हैं, लेकिन अगर दिन में लेते हैं तो नाश्ता कर लिया हो तो 1-1.5 घंटे बाद लें, और खाना खा लिया हो तो 3 घंटे बाद इस ट्रीटमेंट को लें। इसके अलावा एक प्रिकॉशन और रखनी है कि जहाँ आप जिस भी बाथरूम में या जिस जगह भी टब रखें वहाँ पर हवा का झोंका ना आता हो, वहाँ आप पंखा ना चलाएं और बाहर से कोई हवा वहाँ ना आती हो, ऐसी जगह पर आपको अपने टब रखने हैं। ये गर्म ठंडा कटे स्नान इतना ज़्यादा लाभकारी है कि सैकड़ों रोग इससे ठीक होते हैं। तो गर्म ठंडा कटे स्नान लेने में आपको कैसा भी भयंकर कब्ज हो, डायबिटीज हो, और लीवर में सूजन हो, आंतों की सूजन हो, और किसी तरह की स्प्लीन की किसी तरह की कोई सूजन हो, पेट में किसी भी तरह की सूजन हो, तो फैटी लीवर हो, आंतों में सूजन हो, बादी बवासीर हो, प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम हो, और मूत्राशय से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, स्त्री रोग हैं, ये सारे रोग गर्म ठंडे कटे स्नान लेने से ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी आपने देखा गर्म ठंडा कटे स्नान कैसे किया गया है। गर्म ठंडा कटे स्नान इतनी बढ़िया चिकित्सा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ साथ जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं गर्म ठंडा कटे स्नान लेने से समाप्त हो जाती हैं। सभी पेट के रोग ठीक हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम के रोग ठीक होते हैं, सभी तरह के रोग परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इस कटे स्नान को हमें कितने दिन तक लेना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है रोग की गंभीरता पर। अगर रोग आपका बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है तो आपको थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, तो रोग की गंभीरता के आधार पर 1 महीने से 3 महीने तक इस ट्रीटमेंट को लेना चाहिए, और साथ में डाइट भी लेनी चाहिए, उसको भी फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आप फिर अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कितनी कम हुई है। आज की जानकारी बहुत खास थी क्योंकि बहुत लोग प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से परेशान हैं, और आज जो मैंने आपको ये चिकित्सा बताई है ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को 100% ख़त्म कर देती है। तो मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।